सभी भाइयों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केएस डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे। आज अपनी दो गाड़ी जो लातूर जा रही है महाराष्ट्र, तो आपको किसानों से मिलाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए पाटिल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। आपने गायें खरीदी है, कैसी लगी गाय? अच्छे हैं। और जहीं हमारा जो व्यवहार है, रहने सहने का कैसा है? ठीक है ना। हाँ, तो मास्टर जी आपने कैसी मिली गाय? बहुत अच्छी मिली गाय। अच्छी गाय मिली? हाँ, मैनेजमेंट भी अच्छे है। हाँ, पंजाब में गाय खरीद के मजा आ गया? दिक्कत नहीं है। हाँ, मजा आ गया? मजा आ गया, बस ठीक है। हाँ भी मास्टर जी बोलो। अच्छी गाय है? अच्छी है। ठीक है, ये भाइयों की दो गाड़ी हो गई है, तो आज लोड होके जा रही है। बाकी गाय टोटल जितनी भी गाय है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको अभी पहले गाय दिखाऊं, एक नंबर पे जो ये गाय 50 से प्लस दूध की गाय है। ये चेक करिए क्वालिटी एक बार, मिल्किंग वाली गाय है, बच्चा दिया हुआ है। और ये गाय की क्वालिटी एक बार आप देख लीजिए, हाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी हाइट में है, क्वालिटी सेकंड लैक्टेशन में है, मिल्क कैपेसिटी 50 से प्लस दूध की, और अभी ताज़ा बच्चा जाना है। ये चेक करें आप क्वालिटी, इससे आगे ये गाय भी देखिए। अभी ये कच्ची गाय है, ये तकरीबन 25 दिन की कच्ची है, अभी टाइम बाकी है इसका बच्चा देने में। लेकिन आप बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट क्वालिटी, ये बड़े ए क्लास फार्म से ली है, 200-250 गाय वाले फार्म से ये गाय खरीदी है। अर्डर की क्वालिटी देख लीजिए आप, ये चेक करें। इससे आगे एक ये गाय सेकेंड लैक्टेशन की गाय है, ये भी गाय अभी कच्ची है, टाइम रह रहा है इसका बच्चा देने में। तो ये गाय की भी क्वालिटी एक बार आप चेक करिए। इससे आगे एक ये गाय की भी क्वालिटी देखिए आप, नसें और अडर की क्वालिटी ये देखिए। ये अडर की शेप और नसें और क्वालिटी ये चेक करिए। सारी गाय उनके पास 40, 45, 50, 55 लीटर दूध की गाय है, ये आप चेक कर लीजिए क्वालिटी। 17-18 गाय सेल होके महाराष्ट्र जा रही है। सबसे पहले एक नंबर पे ये गाय मिल्किंग में तकरीबन 45 प्लस की है। अभी इसका दूध जो निकल गया है, अभी मिल्किंग हो गई है इसकी, तो ये 45 प्लस वाली गाय एक नंबर पे। दो नंबर पे ये सेकेंड टाइमर बछड़ी, ये बछड़ी की भी मिल्क कैपेसिटी 45 से प्लस की है, ये भी महाराष्ट्र जा रही है, अभी कच्ची है, एक महीने से प्लस टाइम बाकी है। तीन नंबर पे भी एक टॉपर क्वालिटी की बछड़ी, कच्ची अभी महाराष्ट्र जा रही है ये भी, और ये भी मिल्क कैपेसिटी 45 से 50 लीटर की। इससे आगे एक वाइट बछड़ी ब्रूट के सीमन की, फर्स्ट टाइमर बछड़ी, ये भी अभी कच्ची है और जैसे ही तैयार हो गई, अच्छे दूध पे चलने वाली बछड़ी है। और क्वालिटी आप इसकी भी एक बार चेक करिए, ये भी अभी कच्ची है। इससे आगे एक जर्सी, फर्स्ट टाइमर जर्सी है, चार दांत, और जर्सी की भी आप क्वालिटी एक बार चेक करिए। उससे आगे एक ये गाय सेकंड टाइमर गाय 40 प्लस की मिल्क कैपेसिटी की, ये गाय भी ऑलरेडी सेल हो गई है। इनसे आगे एक ये थर्ड टाइमर गाय हैं, मिल्क कैपेसिटी इसकी 55 से 60 लीटर की, और बनावट पीठ की स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया गाय का इसका, ये देखिए आप गाय को। इससे आगे एक और सेकंड टाइमर गाय, ये भी अभी कच्ची गाय है, ये चेक करिए आप। ये गाय भी 40 से प्लस दूध की है, एक ये गाय सेकंड टाइमर गाय है, मिल्क कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50 से प्लस दूध की है इसकी, वेंस चेक करिए आप अडर पे। इससे आगे कि ये सेकंड टाइमर गाय, ये भी अभी कच्ची गाय है, ये भी 38-40 लीटर दूध की गाय है, ये चेक करिए। उनसे आगे एक जर्सी ब्लैक कलर की, ये मिल्किंग में, अभी इसकी मिल्किंग हो गई है, ये लोडिंग के टाइम की आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके नीचे 38-38 लीटर दूध अभी रेडी है, और अडर फर्स्ट क्लास है, ऐसी क्वालिटी अडर की, शेप स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, ये चेक करिए। ये लेकिन सेल हो गई है गाय, महाराष्ट्र जा रही है ये। एक ये बछड़ी फर्स्ट टाइमर, ये
साइज क्वालिटी इतनी बड़ी बच रही है दो दांत की, क्यूबिकल्स में भी नहीं आ रही, इसीलिए इसको अकेली को मिट्टी में छोड़ा हुआ है। दो दांत बछड़ी और बहुत ज़्यादा बड़े साइज की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी, ये भी महाराष्ट्र जाएगी सेल होके। ये चेक करिए आप एक बार, क्वालिटी देखिए आप बछड़ी की क्या क्वालिटी है।